हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि आज UPTU का स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जिन बच्चों को इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कोई भी विजुअल यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है और ये काउंसलिंग कैसे चलेगी, ठीक है। तो इसका शेड्यूल आपको पता होगा, लेकिन फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो 7 से मतलब आज से 8। यहाँ पर और भी जो कोर्सेज हैं MBA, MCA, लेटरल वगैरह के लिए भी सेम प्रोसेस है, लेकिन हम यहाँ पर मेनली बीटेक के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। तो 7 से 8 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन है और फीस पेमेंट जो है वो 7 से 8 के बीच में है। मतलब कि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके जस्ट बाद आपको फी पेमेंट कर देनी है और उसी समय आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की डेट जो है 7 से 9 के बीच में दी गई है, मतलब एक दिन का टाइम आपके पास है। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो है वो 8 से 10 के बीच में है आपकी, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो क्रूशियली मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपका जो फी पेमेंट है इसमें आपको सीट कन्फर्मेशन फीस एडवांस में देनी होती है स्पॉट राउंड के लिए। जो बच्चे जनरल या ओबीसी से उनको 20,000, जो SC ST से हैं उनको 12,000, ठीक है। तो ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल होती है अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पर चॉइस फिलिंग दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया स्पॉट राउंड में तो आपको वो लेना ही पड़ेगा, कोई भी ब्रांच हो, ठीक है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत मेन है कि आप अपना चॉइस फिलिंग इस तरह से करें कि आपको अपने मन चाहा ब्रांच और कॉलेज मिल जाए या फिर कुछ ना मिले। इस चीज़ के लिए मैं आपकी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से करा सकता हूँ ताकि आपको अपनी ब्रांच जो चाहते हैं आप जिस कॉलेज में वो मिले या फिर ना मिले, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे मेरे चैनल पर तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का सारा लिंक है। आप कहीं भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्पॉट के लिए हेल्प चाहिए किसी भी तरह के, तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको एक पेड काउंसलिंग का लिंक मिलेगा। मात्र 199 रुपीज़ है, ठीक है। 200 रुपये में आप अपना 20,000 बचा सकते हैं अगर आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है तो। बाकी अगर हम बात करें कि हमको अगर कोई सीट देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक ठाक बुंदेलखंड जो कि BIT झांसी कहते हैं, उसमें सिविल की 24 सीटें, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखी, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैकेनिकल की 26 और IIT लखनऊ, ठीक है, IIT लखनऊ में केमिकल की 35 और सिविल की 21, तो बहुत अच्छी सीटें हैं और कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आपको सीट मिल जाती है तो इट्स वर्थ इट, ठीक है। तो KNIT सुल्तानपुर में भी सिविल की 30, मैकेनिकल की 14, इतनी सीटें बची हुई हैं। बाकी नीचे राजकीय कॉलेजेस हैं, अगर आपके पास आपके घर के आसपास कोई कॉलेज है और आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप इन सबको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल वाले में भी और यहाँ पे नित्रा कैंपस वगैरह में तो CS की भी ब्रांचेस बची हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, इसमें इतनी सारी ब्रांचेज और सीट बची हुई हैं। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ अपनी काउंसलिंग बहुत ध्यान से करिएगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भैया रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो आप यहाँ पे UPTU के पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पे बीटेक काउंसलिंग 2024 में यहाँ पर स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट दिया है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा था, आपको किसी राउंड में सीट मिली थी और आपने वो सीट छोड़ दी, विड्रॉ कर ली किसी भी कारण से, या फिर आपको सीट मिली ही नहीं, तो आप इस पे जैसे ही अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ पे आप स्पॉट के लिए रजिस्टर करके पेमेंट कर सकते हैं। जिन बच्चों का न्यू रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, 1000 सीट जो आपका काउंसलिंग का है उसका देंगे, फिर उसके बाद 20,000 या 12,000 डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आप अपना पेमेंट करेंगे सीट कंफर्मेशन का, जो कि एडवांस में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ये सारा काउंसलिंग का प्रोसेस है, डेट हमने डिस्कस कर लिया, स्टैटिक्स हमने दिखा दिया आपको। बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी चैनल पर हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ग्रुप पे ऐड होकर के कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको काउंसलिंग करानी है, चॉइस फिलिंग वगैरह आपको जानना है, आपकी रैंक पर मिल सकता है नहीं मिल सकता, इसके लिए आप कोई भी वीडियो खोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यही खोल देता हूँ स्पॉट राउंड वाली ही, तो जैसे ही इसके नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हियर गूगल फॉर्म है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म खुल करके मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस, नेम और जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, रैंक वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ 199, ठीक है, आप 199 के चक्कर में 20,000-12,000 गंवाना नहीं चाहते, तो सिर्फ 199 में आप इसको अवेल कर सकते हैं और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको आपकी रैंक पर जो अच्छा कॉलेज है मिल सकता है वही दिलाएंगे ताकि आपका मनी वेस्ट ना हो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।